बेशुमार ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम लोगों को नो नहीं कह पाते, हम लोगों को मना नहीं कर पाते। यानी बहुत से लोग हमें इनविटेशन देते हैं किसी काम के लिए, बट वो काम हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होता। ये बात हमें पता होती है, बट हमारे में करेज नहीं होती कि हम दूसरे को बता पाएं कि जी हम आपका ये काम नहीं कर सकते। एक लड़का चला गया बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करवाने के लिए। तो बैंक में एक डेस्क होता है रिलेशनशिप मैनेजर का डेस्क। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर ने उस लड़के को बुला लिया अपने पास और उसने कहा कि जी आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। उस लड़के के पास स्किल ही नहीं थी कि वो उस रिलेशनशिप मैनेजर को ये बता सके कि जी मेरे पहले ही 2 अकाउंट्स ओपन हैं, मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी स्टेट बैंक मुझसे पूछेगा कि जी इतने अकाउंट्स क्यों ओपन करवा रहे हो और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बात तक नहीं की गई उस लड़के से और वो लड़का इतना घबरा गया कि रिलेशनशिप मैनेजर ने कहा कि जी आप हमें अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दें और यहाँ पे आप थंब इंप्रेशन लगा दें, और उसने ऐसा ही किया। यानी ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें नो कहने की स्किल को अप्लाई करना है। और ऐसी बेशुमार सिचुएशंस होती हैं हमारी अपनी डेली लाइफ में जब हमें हमारे फ्रेंड्स किसी इवेंट में बुलाते हैं और उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और सिर्फ इस वजह से हम उस इवेंट में जाते हैं हमारा अपना दिल भी नहीं कर रहा होता क्योंकि हमारे में ये करेज नहीं होती कि हम दूसरे को मना कर सकें कि जी मैं नहीं आ सकता। सबसे पहला स्टेप नो कहने में ये होता है कि आप खुद देखें कि आपने नो कहना क्यों है। यानी आप रीज़न के ऊपर फोकस करें, यानी आपके पास वाई होना चाहिए, यानी आपके पास एक बिकॉज होना चाहिए कि आप दूसरे को बता सकें कि जी मैं ये काम इस वजह से नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे जब आप दूसरे को बता देते हैं कि रीज़न इसकी ये है तो दूसरा डिसआर्म हो जाता है और दूसरे को समझ आ जाती है कि हाँ ये एक वैलिड रीज़न है। नो कहने के हवाले से सेकंड पॉइंट ये है कि आप दूसरे को एक्नॉलेज करें। यानी आप सबसे पहले दूसरे को कहें कि जी मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे चूज़ किया कि मैं आपके बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाऊँ, बट ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले से बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं और मैं भी ये समझता नहीं हूँ कि मुझे एक और अकाउंट की ज़रूरत है। मगर यह है कि मैं आपको अपना एक दोस्त रिकमेंड कर सकता हूँ कि जिसे वाकई में ज़रूरत है अब बैंक अकाउंट ओपन करवाने की। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सबसे पहले दूसरे को एक्नॉलेज किया, हमने कहा जी कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है। दूसरी हमने यहाँ पे क्या चीज़ की, हमने दूसरे को बताया कि जी हमारे पहले ही बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, यानी हमने एक रीज़न स्टेट कर दी। और तीसरी चीज़ कि हमने उन्हें रिकमेंड कर दिया एक तीसरा शख्स कि जिसे वाकई में ज़रूरत थी। हमें अक्सर इवेंट्स पे इनवाइट किया जाता है जिस पे हम नहीं जाना चाह रहे होते बट नो नहीं कह पाते, तो वहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि जी थैंक यू सो मच, मेरे लिए ऑनर की बात है, आई एम फ्लैटर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट आप मुझे अपने नेक्स्ट इवेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट इवेंट में आपको ज्वाइन कर सकूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इवेंट में इनवाइट किया है और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपके इवेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने सारी फीलिंग्स का भी इजहार कर दिया, यहाँ पे हमने दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार कर दिया और यहाँ पे हमने एक अच्छा जेस्चर भी दे दिया कि जी जब नेक्स्ट इवेंट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने नो कहने की स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने लो सेल्फ इस्टीम के इशू के साथ डील करना होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम लो होती है वो स्ट्रगल करते हैं नो कहने के हवाले से, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों का टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों का इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा अपना टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जाना तो नहीं चाहते दूसरों के इवेंट में क्योंकि उन्हें एक और अर्जेंट काम होता है, बट फिर भी वो उस अर्जेंट काम के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते और वो सिर्फ इस वजह से दूसरों के इवेंट को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद दूसरे अब बुरा मान जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। और अगर आप दूसरे के इवेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप मुंह बना के बैठे रहते हैं तो फिर दूसरे को ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बजाय इसके कि आप ऐसा करें, आप पहले ही माजरत कर लें कि जी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है आना और मैं यहाँ पर नहीं आ सकूँगा, बट ये है कि मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। किसी दूसरे को नो कहना कोई क्राइम नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप लिमिटेशन सेट कर रहे हैं, आप दूसरे को बता रहे हैं कि जी हमारा अपना भी एक टाइम टेबल है, मैं यूजुअली इस टाइम पे ये काम करता हूँ और ये काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट नेक्स्ट टाइम आप मुझे ज़रूर इनवाइट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट टाइम कंसिडर करूँगा आपके इवेंट पर आना। सो ये हैं वो चंद चीज़ें जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है अगर आप किसी दूसरे को नो कहना चाहते हैं। ऑल दी बेस्ट।